मध्य प्रदेश की बड़वा स्थित जनपद पंचायत सभागृह में एसडीएम मिलन ढोके की अध्यक्षता में अंतर विभागीय मलेरिया एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यशाला में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान, सीईओ बाबूलाल और इसके अलावा बीईओ सुदामा सोलंकी, कृषि विभाग से बीएस सेंगर, नायब तहसीलदार सुखदेव डावर और अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। कार्यशाला में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कारखुर एवं स्टेट आरआई मॉनिटर रवि देशवाली ने प्रोजेक्टर के माध्यम से मलेरिया रोग के नियंत्रण एवं बचाव की जानकारी सभी को दी है। बैठक में एसडीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वाह से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी कोविड के चलते मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया लूप लाइन में चला गया, उसकी तरफ लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा, जिसके चलते आज ये कार्यशाला संचालित की गई थी और उसमें निर्देश भी दिए गए थे कि हमें इससे बचाव कैसे करना है, इससे सुरक्षित कैसे रहना है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे रखना है, सावधानियां क्या क्या लेनी है, देन उसके बाद जो मच्छरदानियों का उपयोग करना है और उसके बाद जो पानी भर जाता है या निकालना रहता है, लार्वा नहीं पनपने देना, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशंस हुआ है यहाँ कार्यशाला में।